भागलपुर बिहार में जन्मे प्रख्यात मूर्तिकार अमिताभ भौमिक जी बिहार की पावन धरती से अपनी शुरुआत की, जहां गौतम बुद्ध और कई ऋषि मुनियों ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, वहीं से अमिताभ भौमिक जी ने अपने कला की शुरुआत की और दिल्ली को अपना कर्मभूमि माना। आज दिल्ली ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में ही अपना कार्य कर रहे हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाफित हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक खास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जानत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जाने माने मूर्तिकार व चित्रकार एमिनेंट आर्टिस्ट मिस्टर अमिताभ भौमिक जी, जो दिल्ली में ही अपना कार्य करते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार जी। दादा, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? आपने कला की दुनिया में जब कदम रखा तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी, और उस वक्त कला के प्रति आपके परिवार का माहौल कैसा था, और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना, जरा संक्षेप में बताइए दादा। मेरा जन्म बिहार के भागलपुर में मैं जन्म हुआ था। मेरा मौसा जी भागलपुर जेल के डॉक्टर थे, और उनके पास मेरा जन्म होने के कारण माँ का जो पिता समान जीजाजी था, उन्होंने ही पाला था मेरे माँ को। तो मेरे माँ वहाँ मेरे जब जन्म हुआ, माँ अपने बड़ी बहन और जीजाजी के पास ही था। और भागलपुर में रहते समय मैंने एक चीज़ महसूस किया, उसके बाद भी जब मैं दोबारा 5 साल की उम्र में गया, ये भागलपुर का गंगा का किनारा इतना पवित्र स्थल है, इतना नीट एंड क्लीन है, जो आज दोबारा कभी विजिट भी करूं तो मेरे को नहीं लगता इतना साफ सुथरा देख पाऊँगा। और उसके बाद मैं दिल्ली जब चले आया, और हाँ, उसके जन्म के बाद ही 6-7 महीने बाद दिल्ली में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। स्कूल में अच्छा स्कूल था, यूनियन अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल। और जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था 1962 में, उस समय हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गया था चाइना से। चाइना के लड़ाई के समय हिंदुस्तान के जो परिस्थिति था बहुत ही अपमानजनक था, और मेरे पिताजी नेफा जो आजकल अरुणाचल प्रदेश में थे, वहाँ पर पोस्टेड थे। और जब 6ठी से हमें स्कूल में दो तरह के वो सब्जेक्ट के उसके बोल रहता था, आइदर आप संस्कृत लीजिए और ड्राइंग लीजिए। ड्राइंग में मैं बहुत बढ़िया था, इसलिए मैं शायद भागलपुर का गंगा का किनारे जो नैसर्गिक दृश्य देखा था इतना सुंदर, वही मेरे सिर में घूमता था। और मैं 6ठी में वो ड्राइंग लिया, और ड्राइंग में हर वक्त गंगा का किनारा किनारे पहाड़ वगैरह दिखा दिखा के मैं अपने मन को डाउन मेमोरी लेन ले जाता था उसी एज में। और उसी एज में यही कहा था मैंने बाकी घर वाले वगैरह, अरे जो भी लड़के लिखाई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, चलो उसको ड्राइंग लेना चाहिए। जो कि आज मैं महसूस करता हूँ, ये एक ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर जो है दुनिया का सभ्यता का सबसे चरण निदर्शन है, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है एक सिविलाइज कंट्री का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। तो इंडिया मोहनजोदड़ो हड़प्पा अजंता एलोरा से लेकर सारे कुछ देख जब गया था कॉलेज लाइफ में, तब जब महसूस किया, नहीं सच ही
आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिंदुस्तान का सभ्यता का सबसे बड़ा परिचय है। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं दादा के कुछ द्वारा बनाए गए मूर्ति और चित्रों को। आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपके उस वक्त गुरु कौन थे जिन्होंने आपका मार्गदर्शन कला के प्रति किया, और किस कलाकार को आप अपना आदर्श मानते हैं, या फिर किस ग्रेट मास्टर कलाकार का कार्य आपको प्रभावित करता है या अच्छा लगता है, जरा संक्षेप में बताइए। मैं परम भाग्यशाली था, सन 65 में जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में इम्तिहान दिया भर्ती होने के कारण, तभी भी यही घर में सब लोगों ने बोला जे तेरे पिताजी आर्मी में जा, तो सिर्फ माँ के आशीर्वाद में मैं आर्ट कॉलेज गया एवं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सारे जनरल कोर्स करने के बाद, उस समय फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहते एक महान कलाकार से मेरा हर वक्त बातचीत होता था, वो थे प्रोफेसर धनराज भगत जो कि लाहौर के थे। भगत जी नाम में भी भगत थे और पैसे में धनराज, धन था कि नहीं उतना बता नहीं पाऊँगा, पर सच्ची वो धनराज थे सब बातों में। उनके आदर्श में मैंने आज मेरे एज के साथ साथ मैं महसूस करता जब मैं भगत जी के बारे में बोला, ये भगत जी ने मेरे को जो धन दिया वो धन है उनके आशीर्वाद। और बाकी कलाकार उसे स्पेशली जो यंग कलाकार है उनसे कैसे बातचीत करना है, उसके लिए उन्होंने मेरे जो अच्छी तरह भली भांति मेरे को समझाया गया था, और ये भी बताया गया था जो भी कलाकार कुछ भी कलाकार करते हैं। दादा, जब आप BFA कर रहे थे उस वक्त कला का माहौल क्या था और आपके गुरुओं ने आपको किस तरह की शिक्षा दी जिससे आज भी आप कार्य कर रहे हैं फील्ड में? मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट में भर्ती हुआ तब कॉलेज ऑफ आर्ट में 5 साल का नेशनल डिप्लोमा दिया जाता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जनरल सब्जेक्ट पढ़ता था, और भगत जी का संस्पर्श में आने से मैं इतना सम्मोहित हो गया था जो मैंने स्कल्पचर ले लिया। उस समय के जितने भी स्टूडेंट्स थे मोस्टली मेल, उन्होंने अप्लाइड आर्ट में लिया था, क्यों उन लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए स्कल्पचर ले लिया, स्कल्पचर करता था। और पिताजी को बहुत दिन बाद किसी ने बताया, आपके लड़का तो बहुत बढ़िया स्कल्पचर कर रहा। पिताजी घर में आके माँ को बोला, देख रे वो तो भूखा मरेगा, पर आज माँ बाप है ही नहीं, भगत जी भी है नहीं, उनके आशीर्वाद में दो समय भरपेट खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। दादा, आप जब BFA कर रहे थे उस वक्त
कॉलेज का माहौल क्या था और जो उस वक्त आपके गुरु थे वो किस मार्ग का ज़्यादा बताते थे, किस कलाकार को क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को जानने को बहुत कुछ मिलेगा। हमारे इस समय BFA MFA तो था नहीं, नेशनल डिप्लोमा 5 साल का था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू से, और हमारे अंदर काम करते बगैर कॉलेज ऑफ आर्ट में उस समय फाइनेंशियल प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते थे, खाली ध्यान देते थे काम अच्छा करे और भगत जी जैसा टीचर जिस जिस डिपार्टमेंट पे उनके आशीर्वाद लेते हुए आगे निकल जाए। और आज हर वक्त ये महसूस करता हूँ कि भगत जी ने मुझे जितना भी दिया उसके साथ मैं झोली भर के ठीक तरह संभाल पा रहा हूँ कि नहीं वो आप लोग ही बता सकेंगे, और मैं भगत जी का बहुत ही आभारी हूँ जो मेरे को उन्होंने स्कल्प्टर बनने का सुविधा दिया है। दादा, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से तकनीक व माध्यम का उसमें प्रयोग करते हैं अपने काम में, अपने कार्य के बारे में जरा संक्षेप में बताइए। मेरा जिंदगी के सबसे बड़ा सौभाग्य है जे भगत जी जैसा टीचर मिलने के बाद, भगत जी मुझे हर वक्त कहता था भौमिक अमिताभ देखो ड्राइंग जो है हर वक्त करना, क्यों ड्राइंग सरगम है, जैसे क्लासिकल सिंगर वगैरह जितने भी है वो सुबह उठ के रियाज करते, ड्राइंग तुम हर वक्त प्रैक्टिस करना, बाकी चीज़ तुम्हारे लिए स्कल्पचर बोलो ग्राफिक्स बोलो सिरामिक्स बोलो सब आसानी हो जाता। आज इस एज में आके मैंने महसूस किया भगत जी तो ठीक ही बोला, उस समय शायद बहुतों को बोलता था लोग पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, ड्राइंग बहुत करता था, उसके पीछे मेरा और एक गुरुजी थे क्राफ्ट के वो प्रोफेसर मदन रॉय, उनसे मैं क्राफ्ट सीख के बहुत कुछ पैसा बाद में कमाया कॉलेज पास करने के बाद, परिवार के आर्थिक हालत इतना अच्छा नहीं था, बाटी लेदर बाटी करके उड़ा के मैंने काफ़ी पैसा किया आज मदन जी को भी। और मेरे स्टाइल में हर वक्त हेनरी मूर, लोग कहते तुम हेनरी मूर के जैसे काम करते हो, पर जब ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप में बेडफोर्ड में ब्रिटिश हेनरी मूर के स्टूडियो जाके उनके सेक्रेटरी को दिखाया, वो कहता नहीं ये 1940s में जो लोग हम लोग काम किया हमारे यहाँ स्कल्प्टर लोग उस टाइप के काम है, हेनरी मूर के साथ कुछ मिलता नहीं है। मैंने कहा आप लोग हमारे देश में राज किया तो हो गए, तब उन्होंने हेनरी मूर का एक किताब दिया उसके ऊपर ये लिखा था टू माई फेलो आर्टिस्ट नीचे हेनरी मूर। दादा, आप अपने कार्य में ज़्यादातर कौन कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, चाहे वो मूर्तिकला हो या पेंटिंग हो या ड्राइंग हो, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं हर वक्त सोचता था, भगत जी ने ये भी बोला चाहे तुम मिट्टी में बनाओ प्लास्टर में बनाओ वुड में बनाओ मेटल में बनाओ, उसके जो क्वालिटी शेप और उसके ऊपर होता है, बाकी तो मेटल वगैरह का जो भी करते लोग खरीदते हैं वो करता, पर प्लास्टर को भी तुम मेटल के जैसा कलर करके मेटल जैसा दिखा सकते हो, ऊट के जैसा दिखा सकते हो, टेराकोटा को भी पेंट करके, पर मटेरियल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कारण हमारे माली हालत इतना ठीक नहीं था, तो मैं प्लास्टर और टेराकोटा में ही करता था, और उसमें भी मैं काफ़ी सारे कॉलेज ऑफ आर्ट से एनुअल्स में अवार्ड भी मिला, आईफिक्स अवार्ड भी मिला। दादा, आपने मैक्सिमम मैंने देखा आपने सभी मीडियम के काम किया है, आपने टेराकोटा भी काम किया, मैंने बहुत सारे आपके स्टोन भी देखे, अभी आप कोरोना पीरियड में कोरोना काल में आप लगातार ड्राइंग कर रहे हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। घड़ी घड़ी में काम करते समय मैंने मेटल और स्टोन में काफ़ी काम किया, और काम करते करते मेरे को ये महसूस हुआ ये इनके जो मटेरियल क्वालिटी है उसके ऊपर थोड़े बहुत एम्फेसिस दे,
सेल्फ स्कल्पचर का टेक्निक है जो क्या बेस्ड ऑन कॉन्केव एंड कॉन्वेक, उसमें जरा रिफ्लेक्शन होता। तो हौले 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 मैंने स्टोन, मेटल, सिरामिक्स बहुत कुछ में काम किया, पर सबसे ज़्यादा मैंने आनंद लिया मेटल कास्टिंग में। और अभी भी चाहता हूँ मैं मेटल कास्टिंग करके अपना वजूद जो है आगे बढ़ाते रहूँ। दादा, बतौर कलाकार आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रदर्शनियाँ, वर्कशॉप, जहाँ कहाँ कहाँ आपका कार्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में लगा हुआ है, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे उपलब्धि में मैं बहुत कम मेटेरियलिस्टिक हूँ। मैं हर वक्त सोचता हूँ ये भगत जी जितना मुझे प्यार दिया वो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है मेरे जिंदगी का। मैंने फोर्थ ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट में तो शुलोज अवार्ड, जो कॉलेज ऑफ आर्ट का बेस्ट अवार्ड था, वो भी मिला। हर वक्त कॉलेज में अवार्ड मिलता। 1969-70 में आईफेक्स अवार्ड मिला बेस्ट स्कल्पचर का। फिर उसके बाद 1979 में ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिला, इंग्लैंड में पढ़ के आया। फिर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला 1990 में। फिर गढ़ी आते ही स्कॉलरशिप ख़त्म है, गढ़ी ललित कला ग्रांट मिला। फिर उसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला, गढ़ी ग्रांट मिला, फिर मिला मुझे सीनियर फेलोशिप। और सबसे बड़ा मेरा जीवन का उपलब्धि है ये, इतना थोड़ा करके मुझे सरकारी ओहदा में, हाँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में ज्वाइन करके मैंने काफ़ी काम किया, जो कि हर वक्त मैं सोचता हूँ जो मेरा ज़िंदगी का और एक दिशा के और एक तजर्बा है। दादा, कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे कलाकार कहते हैं, जॉब में रह के अपना कार्य करना। आपने बहुत सारी जगह जॉब भी किए, अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे, आपने ललित कला अकेडमी में भी जॉब किया, तो आप इसके बारे में बताइए कि जॉब में रहते हुए और फ्रीलांस में दोनों में क्या क्या अंतर है, और कलाकार बनने के लिए या टिकने के लिए कौन कौन से मतलब सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फ्रीलांस रहते समय मैंने ये उपलब्धि किया, तो फ्रीलांस रहा ये पैसा गिन गिन के जेब में डालने होता है, पर नौकरी करते वक्त मुझे पता है एंड ऑफ द डे मेरे को सैलरी इतना मिलेगा, उस हिसाब से मुझे खर्च करने होगा और उस हिसाब से मेरे को चलते हो। और मेरे सबसे मैं भाग्यवान हूँ क्या, भगत जी का आशीर्वाद में मुझे पैसा के पास करने के बाद, मैं 1970 में पास किया, पास करने के बाद 72 में दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में नौकरी किया। वहाँ आर्ट टीचर रहते हुए बच्चों से जितना प्यार मिला और बच्चों से जितना मैंने सीखा, आज तक उसके वो मेरे लिए वैल्यूएबल एसेट है। और ये बच्चे अब बड़े होकर मुझे कभी कभी मिलते या बुलाते हैं तो मैं महसूस करता है भगवान ये बच्चे मेरे पास। दादा, ललित कला एकेडमी में भी आपने जॉब भी किया और पिछले कई अरसे से आप जहां काम भी कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि आप बहुत सारे जूनियर जो कलाकार आते हैं, जो कलाकार बनने के लिए भी आते हैं, जब जो बन चुके हैं वो भी आते हैं, आप सबका बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सारा डिजिटेशन के ऊपर आते हैं। अभी हाल ही में एक लड़का अभी कुछ देर पहले बैठा था, वो PhD के लिए कर रहा है, वो आपसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले रहा था, आप उसको गाइड भी कर रहे थे। आप मैक्सिमम कलाकारों को हेल्प करते हैं, और गढ़ी में रहते हुए आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं जिसमें हम सुधार कर सकते हैं इस तरह की। मैं हर वक्त ही किसी को हेल्प करते समय मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे हेल्प कर रहे हो, क्यों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मेरा रिविजन है, कंठस्थ। मैं जो बचपन में मेरे को कोई कविता वगैरह दोबारा पढ़ता था कंठस्थ, वही जाके स्कूल में बता पाता था, वैसे ही मैं जब भी किसी
बच्चे को, किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ के बारे बताया, उसका अपना नॉलेज हाँ और मेरा नॉलेज, एंड ऑफ द डे मुझे पता चला जो उसको तो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, वो आया था। वो सर बात में मेरे को श्रद्धा दिखाने के लिए उसने बोला, सर आपने जो बताया ठीक ही बताया, और ये परम सौभाग्य मेरे उसके कारण ही हुआ जो भगत जी के मैं स्टूडेंट था। और भगत जी के बीच में और एक आदमी प्रिंसिपल प्रोफेसर बिस्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज के, वो आते थे मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन देखते, उनके आशीर्वाद में मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। उसके लिए मैं भगवान को और इन भगत जी और बिस्ट साहब को नमन करता हूँ। आज वो कहीं पे भी हो मेरा नमन ग्रहण करें। आज आए दिन नए प्रयोग हो रहे हैं मशीनी उपकरणों का, ज़्यादा प्रयोग कला में कलाकार कर रहे हैं, या जो कहें डिजिटल कंप्यूटराइज मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें जो मैनुअल कलाकार कार्य करने वाले हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियों में भी काम किया है, इंडस्ट्रियाँ देखी भी हैं, तो इस मशीनी युग में कलाकार को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कौन कौन से उपयोग करने पड़ेंगे या कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, इसमें आपके क्या विचार हैं? मशीन का एक ही फायदा है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मैंने बढ़ावा मिलने के लिए मशीन से आप जल्दी जल्दी काम फिनिश करके दे सकते हैं, और अगर आप मैनुअली करें सूझबूझ में तो हर वक्त आपके दिमाग में जो कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहा वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होगा, पर मशीन के द्वारा इतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों उसका एक छंद है, एक गति है, जिस हिसाब से मशीन के ग्राइंडर चल रहा वो चल रहा, उसको आपके दिमाग के साथ वो नहीं होगा, आपके हाथ के साथ कंट्रोल होगा। उससे ज़्यादा सबसे बड़ा हमारे खती है, हमारे वो है जे हम मशीन से काम करके मशीन का अब हम गुलाम बन गए। पहले हम अपना अनुभूति का गुलाम था, अपने क्रिएटिविटी का गुलाम था, अभी मशीन के गुलाम है। जो नई पीढ़ी के युवा कलाकार हैं या जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनको फील्ड में कार्य करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे वह मार्केट में अपना स्थान बना सकें या टिक सकें, या ललित कला अकेडमी जैसे सेंटरों में प्रवेश लेकर अपना कार्य कर सकें। अब एक सवाल उठता है, गांव देहात से जो कलाकार या नौजवान शहरों का रुख कर रहे हैं, उनको वहाँ कार्य करने में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, वह शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए या सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? सभी कलाकार गांव से आए या शहर से आए, उनके अंतर्निहित भावना, गांव से जो आएगा उनके अंतर्निहित भावना में काफ़ी शुद्धिकरण रहेगा, शहर से आएगा शहर में मेकनाइज लाइफ होता है सारे लोग हाँ, तो वैसे ही उसका अंतर्निहित भावना होगा। पर सभी को मैंने ये बोला, देखो तुम जब तस्वीर बनाते हो, स्कल्पचर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो तुम्हारा अंतर्निहित भावना है, मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें बोलना ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ। ये मेरा गुरु भगत जी ने मेरे को हर बार कहता था, क्रिएटिव काम में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, एकेडमिक काम हो पूछ सकते जी, गांधी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, और वो नाम की हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट मोदी जी का, इनमें क्या गलती रहे और स्ट्रक्चर के अंदर क्या गलती रह गया, पर तुम्हारी अंतर्निहित भावना है, क्रिएटिव काम को किसी को क्रिएटिव काम में वो होने का, तुम्हारे अंदर वो पेनिट्रेट होके ये काम नहीं किया, तुम अपना अंतर्निहित भावना को वो किया निकाला है। तुम चाहे गांव से आओ शहर से आओ, तुम्हारे सबसे बड़ा ग्रामीण युग को एक ही लाभ है जो डिस्टर्ब होके नहीं आया, शहर के बच्चों को एक ही है जो डिस्टर्ब होके काम करता है। दादा, ललित कला अकादमी जहाँ इस तरह के जितने भी
सरकारी व गैर सरकारी सेंटर हैं, उनकी लगभग सभी की हालत एक जैसी है। इन सेंटरों में जगह की कमी के कारण वो सुविधा नहीं मिल पाती जो एक कलाकार बनने के लिए चाहिए होती है, और सरकार भी पिछले कई वर्षों से इन सेंटरों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। जो भी अध्यक्ष सचिव आते हैं वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, सरकार के जो फंड मिलता है उसकी कमी के कारण। मीडिया और सोशल मीडिया में जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं वो इंटरव्यू देकर या कहते नज़र आते हैं, सरकार की कमी के कारण हम अपना कार्य नहीं कर पा रहे, हम काम तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन समय के रहते वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, खाना पूरी करके 3 साल के बाद चले जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाता है। सरकार पर ठीकरा तोड़ कर कि सरकार ने हमें कार्य करने नहीं दिया। सभी सरकारी संस्थानों में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कला और कलाकारों में सुधार हो सके, इन सेंटरों में सुधार हो सके, इसमें सरकार को क्या क्या आप सुझाव दोगे कि इनको बेहतर बनाने के लिए जो भी आए वो किस तरह का कार्य करें, इसमें आपकी क्या राय है दादा? सरकार को सुधार करने का सजेशन या देने से पहले हम अपने को सुधार करने हो, क्यों डेमोक्रेसी में राइट एंड ड्यूटीज रन पैरेलल। हम अगर अपना ड्यूटी फुलफिल करें राइट के बारे, हम पहले ही राइट के बारे सोचने लगते और जिन लोगों के पास जाते वो लिखित पढ़ाई के तो काम कर लेते, पर जो क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उससे पहले ही वो कह देता कि हम क्या कर सकते। अरे तुम क्या राइट एंड ड्यूटी रन पर हैव यू फुलफिल योर ड्यूटी, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया तभी तो तुम वो कर पा रहे हो, ड्यूटी दे पाओगे। तुम कर्तव्य का पालन ही नहीं किया, फाइल मूव नहीं किया। पर हम सबसे लकी है इस देश में, हमें एक जगह मिला दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास जहाँ पर हम लोग ललित कला का स्टूडियो में आके काम कर सकते, जो किया आज से 60 के दशक 70 के दशक में ये कामयाब नहीं था और कर रहे काम। और मैंने जो कुछ कॉलेज के बाद हासिल किया ललित कला स्टूडियो से ही मैंने हासिल किया, और सरकार को ब्लेम देके कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने को ब्लेम देखो। हाँ, इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने बोला था कि देखो अपनी शक्ल देखने के पहले मुंह को साफ न करो, आईने को साफ करो तो मुंह अपने आप ही मुंह अपना शक्ल साफ दिखाई देगा। दादा, ललित कला एकेडमी पिछले कई वर्षों से एनुअल प्रोग्राम समय पर नहीं करवा पा रही, जैसे टिनाले, कला मेला, प्रिंट बिनाले, गढ़ी फेस्टिवल, कैंप, फिल्म शो। जब बात करें गढ़ी सेंटर की तो इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कारण स्टाफ का आपस में तालमेल ना होना, कलाकारों की आपस में ना एकजुट होकर रहना, या जो कहें फंड की कमी के कारण जो भी अध्यक्ष या सचिव आता है इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, काम तो करना चाहता है लेकिन सरकार की कमी के कारण, फंड के कारण वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिल रहे, इसमें ज़्यादा कार्य नहीं हो पा रहा। जबकि कार्यकारिणी बोर्ड की कमेटी भी बनाई गई है जो अलग अलग स्टेटों से कलाकार नामनी होके आते हैं, उनका एक समूह गठन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें भी अनुभवी की कमी खलती है, वो भी ज़्यादा सुझाव नहीं दे पाते या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे इसमें सुधार हो सके, दादा इसमें आपके क्या विचार हैं? देखो बचपन से मैंने सिखाया ये गवर्नमेंट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो उसमें अगर कोई कमी सरकार में आए तो हम तो सरकार के पार्ट एंड पार्शियल है, हमारे ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए
क्यों हमने जो ब्यूरोक्रेट और उसके चैनल के बीच में हमने कोई सामंजस्य वो नहीं करा, क्यों क्वालिटी नहीं बना पाया। हमने जो भी कुछ जाके बोला उसके साथ उनके जो चिंताधारा उससे सम्मिलित करके हमने अपना केस को रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, सरकार सरकार लोग कहते हैं सरकार सरकार क्या करेगा, जब मैं ही सरकार के मेरे से ही सरकार गठित हुआ और उसी को ही मैं गाली दे रहा हूँ तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि हम लोग एक साथ होके अगर चले तो ज़रूर ललित कला जैसा चल रहा था पहले अभी भी चलेगा, चलते रहेगा। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आर्टिस्ट को परास्त करे। आर्टिस्ट अपने कामयाबी में होगा ललित कला से, ललित कला में टैक्स पेयर का मनी उनमें इन्वॉल्व है तो वो ज़रूर हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। दादा, आपने ललित कला एकेडमी में मेंबर भी रहे और जहां भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और जहां जॉब भी किया, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो कमियां थी जो हम दूर कर सकते हैं या दूर होनी चाहिए जिससे ये सेंटर और बेटर से बेटर कंडीशन में आ सके? यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, मैं ललित कला एकेडमी में सुपरवाइज़र भी था। जितने आर्टिस्ट स्कल्पचर डिपार्टमेंट में काम करते थे उनसे मेरा इतना अच्छा संबंध था, मैं बार बार उनसे अपने भाव का आदान प्रदान करता था, उनसे सीखता था, उनको अपना टेक्निक बताता था। पर कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, जो क्या हम अपने को पूरी तरह सामने किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, उजागर नहीं कर पाता हूँ। उसके कारण है हमारे मन में एक द्विधा पैदा हो जाता है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे तो मेरा जान के चार, इसको बोलूँगा वो, ऐसे करते करते हौले हौले हम अपने ककून में, हाँ रेस जहाँ ककून में अपने को बंद कर लेते और कोशिश करते उससे बाहर आने के लिए परवाने, सिर्फ उसी के अंदर रहते रहते हम दूसरे को ब्लेम करते रहते, ये करते रहते। ऐसा नहीं है, ललित कला एकेडमी टैक्स पेयर मनी का बना है, ललित कला हमारे लिए बना है, हम ललित कला के लिए नहीं है। ये ललित कला को समझाने के लिए हमने कोशिश नहीं किया। दादाजी, गढ़ी सेंटर एशिया का नंबर वन कहलाने वाला ये रीजनल सेंटर गढ़ी आर्टिस्ट स्टूडियो अपने आप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज इसकी जर्जर हालत पे रोना आता है। बात करें सुविधा की तो जहाँ पर बात करते हैं स्कल्पचर की, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना तो जहाँ पर भट्टी है और ना ही स्कल्पचर के लिए स्टोन के लिए कोई ज़्यादा अच्छी जगह है जहाँ हम खुल के काम कर सकें, जहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं गाँव को लेके, बाहर के लोगों का प्रवेश है उसको कैसे रोका जा सके। अगर बात करते हैं हम सेरामिक की, वहाँ का किलन बाबा आदम के ज़माने का है जिसको धक्के मार मार के चलाया जा रहा है या रिपेयर करके करके चलाया जा रहा है। पिछले 15-20 साल से कई बार सरकार को ऊपर तक गुहार लगाई, इस किलन का ज़्यादा हालत ठीक नहीं हो पाई, सुधार नहीं हो पाया। हम बात करते हैं प्रिंट मेकिंग की, उसमें भी बाबा आदम के ज़माने की मशीनें हैं जो आज भी चल रही हैं, रिपेयरिंग कर करके धक्का मार मार के कह सकते हैं कि उसको चला रहे हैं। ऐसे में जो भी अध्यक्ष या सचिव आते हैं वो हर बार बोलते हैं हमने ऑर्डर दे दिया, हम ये कर रहे हैं, कभी फंड के नाम पे बोला जाता है कि फंड नहीं है, कभी सरकार के नाम पे कि सरकार ये कर नहीं रही है। दादा, इसमें सभी का तालमेल होना उतना ही ज़रूरी है, कलाकारों ने भी कभी उतनी आवाज़ नहीं उठाई, मुझे लगता है कि ऐसे वन बाई वन 5-10 आदमी कलाकार हैं जो इसके लिए बोलते हैं, जब जो बोलता है लगता है कि वही बुरा बन जाएगा। इसमें सुधार करने के लिए या इसका अच्छा कंडीशन में लाने के लिए दादा क्या क्या करना चाहिए,
और सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए इस सेंटर को और बेटर बनाने के लिए, इसमें आपका क्या विचार है? घड़ी के बारे मेरे विचार है, जो क्या मेरे को बहुत, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ जीता, पर इलेक्शन में जीतने के बाद जब मैं जनरल काउंसिल में गया, मैंने देखा ये हम लोगों का चिंताधारा में एक ही है, जो तो मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, हाँ मुझे कोई कुछ बिगाड़ने नहीं सकता है, और इलेक्शन के कारण ही हाँ हमारे अंदर फूट पड़ा। पहले ये फूट नहीं था, जब हमारे यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं था, आपस में हमारे काफ़ी भाईचारा, जब ही इलेक्शन दो खेमे में हम बट गए, उस खेमे में बट के एक खेमे का लोग कोशिश का अपने लोगों को पुरस्कार फॉरेन टूर वो सब दे, और एक खेमे का लोग जो इतना मजबूत नहीं है वो हर वक्त चुपचाप बैठे रहे, जैसे पार्लियामेंट में जिसका जो जिस खेमे का स्ट्रांग होल्ड होता है वो सारे कुछ फ़ायदा लेता, और दूसरे खेमे जिनका इतना वो नहीं है वो चुपचाप बैठे रहते। वही हम लोगों ने किया। अब इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, पर साथों साथ हमें अंत अपना जो कर्तव्य है आर्टिस्ट, मुझे जो मिलना था दिन उसमें ललित कला अकादमी से और हमारे समाज से, वो तो मुझे काफ़ी हद से मिल गया, पर मैं क्या कभी कभी पूछता, मैं क्या सचमुच ही आर्टिस्टों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ? मैंने कहता नहीं। बच्चे आते, यंग आर्टिस्ट आते मेरे साथ बैठ के काफ़ी देर बात करते, मैं तरह तरह के बात करता हूँ, और सब समय यही कोशिश करता वो बोलने के लिए, अपना जो गुरु है जिसके पास आपने सीखा है उसके सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ना क्या उसके वो बताया हुआ मार्गदर्शन से अलग होके आप अपना काम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। उनके मार्गदर्शन ही कि उनके ज़िंदगी का तजर्बा वो आपको दे के गया है, हाँ डिग्री डिप्लोमा छोड़ के, उसको भी वो काम में लाइए। और ललित कला एकेडमी हमारे लिए बना है और हम ललित कला से वो लेते, ललित कला का सुधार अगर हो रहा नहीं हो रहा उसके लिए मैं तो कह रहा हम जिम्मेवार है, क्यों हम दो खेमे में बट के एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या अनुभव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही दादा आपने कि इसके जिम्मेदार हम सब हैं, सरकार पे सिर्फ ठीकरा तोड़ने से इसकी भरपाई नहीं हो सकती, हम लोगों को भी आपस में हम सबको आप अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है, तभी ललित कला एकेडमी जैसे सेंटरों में सुधार हो सकेगा। दादा दृश्य कला के अतिरिक्त कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती है या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब देना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो हमने आपसे जानने की कोशिश नहीं की या आपने अब तक बताई नहीं, वो आप अपनी बात मन की बात कह सकते हैं? मैं हर वक्त सोचता था मेरे पास इतने कलेक्शन है आर्ट फिल्म का, बड़े बड़े डायरेक्टर का, यूरोपियन अमेरिकन रशियन, जो घड़ी में उनको दिखाया जाए महीने में दो महीने में, और साथों साथ हमारे जो भावधारा का आदान प्रदान है वो मैं करूं, पर वो हुआ नहीं। हुआने के कारण मेरे कोई कमजोरी होगा या सिस्टम का कोई कमजोरी होगा, और ललित कला में मैं जो आके बैठ के काम करता हूं, मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं बोलूँगा ये ललित कला से मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ मीन्स मेरे हिंदुस्तान के लोगों का फ़ायदा हुआ कि मैं पार्ट एंड पार्शल ऑफ ए इंडिया, मैं सड़क के बीच में खड़ा होकर मैं ज़ोर से चिल्ला सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन होने के नाते सब समय यही कहता हूँ, हमारे सरकार जो भी कुछ दे रहे हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो स्वीकारित नहीं है सोचते हो जो तुम इनजस्टिस हो रहा उसके विजिबली प्रोटेस्ट करो, और उसके साथ याद रखो जो राइट एंड ड्यूटी अधिकार और कर्तव्य जो है पैरेलल है, नदी का दो किनारा है,
जो मैं सिर्फ अधिकार के बारे में बोलूँगा, कर्तव्य बने जो रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, रास्ते में ये गंदगी पड़ा, क्यों बार बार पोस्टर लगेगा, क्यों बार बार हमारे सरकार ये लगाते थे गंदगी ना फैलाओ, हम फैलाते हैं। हम सब तरह से कोशिश करते दूसरे के ऊपर उंगली उठा के दिखाना, पर तीन उंगली साथों साथ हमारे तरफ भी इंगित करता है, उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। और ललित कला, बार बार कह रहा हूँ, जो ललित कला के कारण ही यंग आर्टिस्ट आके काम करेगा तो हिंदुस्तान के जो कल्चर है, सभ्यता है, वो रहेगा। और हौले हौले क्यों, आजकल बहुत सारे एजेंसीज है जो क्या आपको घर में स्कल्पचर बनाने नहीं देगा, लकड़ी काटने नहीं देगा, सिरामिक ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वो पता नहीं क्या क्या है वो आपको। तो ललित कला एक जगह था जहाँ पर प्रोफेसर शंकु चौधरी और हमारा एक्स डीडीए चेयरमैन क्या नाम जगमोहन साहब, लेट जगमोहन साहब ने मिलके ये जगह देके ललित कला को हैंडओवर किया था। और हमने जो भी काम किया, मैंने जो भी काम किया, बड़े बड़े काम पत्थरों का, मेटल का, इसी जगह से काम किया। और मैं अपने को आभारी मानता हूँ और अपना आभार प्रकट करता हूँ ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी बना टैक्स पेयर का मनी से, ना किसी के जेब खर्च से, टैक्स पेयर मतलब एक बाहर जो मूंगफली बेचता है वो अगर टैक्स देता वो भी ललित कला का मालिक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलने नहीं चाहता। दादा, पुराने टाइम से आप जब से गरीब बने हैं तो आप तब से जानते हैं कई महान हस्तियों ने, कई महान कलाकारों ने जहां आके कार्य किया और जहां काम करते थे, तब के माहौल में और आज के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं जब आया था यहां पर 1981 सितंबर में, तब यहां बड़े बड़े कलाकार काम करते थे, स्वामीनाथन, फिर उसके नाम क्या शंकु चौधरी, फिर बहुत सारे नाम, आजकल बड़ा नाम भूल जाता हूँ, बड़े कृष्ण खन्ना काम करते थे, कृष्ण खन्ना, जी आर संतोष, ये सारा मंजीत बाबा, मेलानी मुखर्जी, हाँ हाँ, तो उनके तस्वीर देखने भी जाते थे हम, अच्छा लगता था, पर छुप छुप के देखते थे, ना क्या उनके अंदर जाके उनको डिस्टर्ब करूं और वो हमें डांट दे, हाँ। पर लाभान्वित हुआ, आज उन लोग है नहीं मेरा इर्द गिर्द, हाँ। तो मैं हर वक्त सोचता हूँ जे ये भी अगर भगत जी नहीं थे और भगत जी के जैसा सम्मान का लायक थे, क्यों हम लोग छुप छुप के उसके काम देख के एकलव्य बनने का कोशिश करते थे, पर अंगूठा भी नहीं खुआया ना एकलव्य बन पाया। थैंक यू। आखिरी सवाल, नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कला के माध्यम से, आपके अनुभव के हिसाब से आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? नई पीढ़ी के कलाकार को मैं हर बार कहता हूँ, तुम अपने अंतर्निहित भावना को प्रकट करते हो कैनवस में, स्कल्पचर में, ग्राफिक्स में, तो जवाबदेही अपने को करना, दूसरे को नहीं। ना मैं आर्ट क्रिटिक हूँ, ना कुछ हूँ जो मैं आके बोला अरे ये कलर लगा दो, वो तो मेरा अपना अंतर्निहित भावना, जो मेरे को यंग एज में बहुत लोगों ने बोला, मैंने बोल दिया नहीं, मेरे को भगत जी जो बताया गया वो मेरे टीचर थे, उसके बाद कोई किसी को मैंने टीचर एक्सेप्ट किया तो तभी क्या, जो मेरे को कंस्ट्रक्टिव आइडिया दे, ये नेगेटिव आइडिया नहीं दे, ये तुमने ये कलर ये लगा देता मूर्ति को, इसको इधर घुमा देता, उससे कुछ नहीं होता, उससे बल्कि तुम्हारा माइंड को डिस्टर्ब करता है। तुम्हारा अंतर्निहित भावना को तुम पूरी तरह प्रकट करो। और प्राइस वगैरह से ये होता, पैसा जो आता उस कुछ दिन अच्छी चल जाता, कलर खरीदते, पत्थर खरीदते, चाय वाय अच्छा पीते, पर प्राइस से कभी कोई आर्टिस्ट नहीं होता, ना मैं हो पाया इतना प्राइस मिलने के बाद, आर्टिस्ट में नहीं हुआ, रोजाना मैं सोचता हूँ कि मैं रोजाना काम करता, रोजाना आर्टिस्ट बनता,
रात को सो जाता हूँ, दोबारा सोच के उठ के काम करता हूँ, दोबारा आर्टिस्ट बनता हूँ। नेक्स्ट पीढ़ी के कलाकारों से यही है, अपने अंतर्निहित भावना को तुम प्रकट करो, जगाने की कोशिश करें आप अपनी अंतर आत्मा को, कि जो भी सवाल आपका होगा जवाब आप ही को देना, उनको ही देना और किसी को नहीं देना। धन्यवाद दादा, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके मन की बात हमने सुनी, आपकी कला के बारे में जाना और कला पे चर्चा हुई। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जाने माने मूर्तिकार व चित्रकार अमिताभ भौमिक जी, जो दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप दो टूक सीधी बात में चर्चा की, आपसे आपके बारे में जाना और आपकी कला के बारे में जाना। आपने हमें मौका दिया दो टूक बात में बात करने के, मेरा यही रिक्वेस्ट है सब यंग कलाकार को, अपने प्रति वो रहो, सहनशील रहो, अपने प्रति जवाबदेही हो, दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जैसा मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं हारा नहीं, बल्कि रोज़ाना ही जीतता हूँ, रोज़ाना लोगों से बात करके उनसे सीखता हूँ। सीखना भी जो है जीत हासिल करने का बराबर है, तो कभी भी मन को वो नहीं कहना जे भाई मेरे को ये बोल दिया वो बोल दिया, नहीं, तुम अपना अंतर्निहित भावना को प्रकट कर रहे हो कैनवास में, और किसी हालत से उस चीज़ कॉन्फिडेंट को सरेंडर नहीं करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, धन्यवाद। दोस्तों, जे थे हमारे साथ जाने माने मूर्तिकार व चित्रकार अमिताभ भौमिक जी। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई शख्सियत के साथ, तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त, वंदे मातरम, भारत माता की जय।